तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. हमारे ब्लॉग में दिल से स्वागत है. तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग. और मेरा पूजा पाठ भी हो गया और अभी जस्ट सर आए हैं, तो दोनों पढ़ रहा है. और इधर हम सर के लिए नींबू का चाय बना रहे हैं. और इस कुकर में हम दिए हैं फ्रेंड्स आलू बॉईल करने के लिए. आलू पराठा बनाएंगे. और इसका रेसिपी ये यहाँ पे रहा. मटर, गोभी, प्याज, मिर्च, लहसुन, सारा कुछ जितना भी है सारा कुछ कट करके रख लिया है मैंने. अभी बनाएंगे नाश्ता में और फिर देखते हैं खाना में क्या बनाते हैं. तो नाश्ता खाना मुझे दोनों बनाना पड़ता है एक साथ साथ. तो चलिए पहले हम बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे. तो गैस, तो चाय तो सर को दे दिए. और इधर मेरा आलू भी बॉइल हो गया और इधर मेरा चाय भी रखा हुआ है. सो अभी इसको हम फ्राई करेंगे. तो यहाँ पे कढ़ाई भी जला दिए हैं और इसमें तेल डाल दिए हैं. सो हम चलते हैं, पहले फ्राई कर लेते हैं ये सब. सो आप लोग को भी दिखाते हैं, आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में. सो यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं फ्रेंड्स. तो बहुत ही मुश्किल से हमारा ये कैमरा स्टैंड जो है ना, बहुत ही मुश्किल से हम रख पाते हैं. और मेरे साथ तो कोई है नहीं, मुझे अकेले सारा कुछ करना पड़ता है. तो आप लोग माइंड में नहीं कीजिएगा, क्योंकि जैसे भी आएगा आप लोग बस करते रहें. और ये रहा लहसुन. फ्राइडे है तो ये फ्राइडे बोल रहा है, वेडनेसडे है तो आज मैंने बाल धो कर नहाया है. लहसुन, उसके बाद मिर्च दही, मटर, गोभी मैंने डाल दिया और प्याज. उसके बाद फिर प्याज डालेंगे, उसके बाद फ्राई कर लेते हैं पहले. मटर डाल के मैंने फ्राई करने का भी किया है. तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है. नमक भी डाल दिए, अभी हल्दी डालेंगे. तो फ्रेंड यहाँ पे मेरा चोखा भी फ्राई हो गया. आप लोग को अभी दिखा देते हैं चोखा. बहुत ही मुश्किल से मुझे ये वीडियो स्टैंड इतने जगह में बनाई है. वीडियो क्योंकि मुझे कुछ सेव भी करना था. तो अभी तक हम आप लोग को मैं दिखा देती हूँ कि मेरा चोखा फ्राई हो गया है. हमारा चोखा कितना अच्छा से रेडी हो गया है. तो अब आटा भी गूंथ कर रख लिए हैं. सो अभी चलते हैं, इसको निकाल कर ठंडा होने के लिए रखने देते हैं थोड़ी देर. उसके बाद पराठा बनाएंगे. दोनों का मस्ती स्टार्ट हो गया मॉर्निंग में. और सर चले गए पढ़ो, कॉपी बंद करो फिर. सो पहली बात, उसके बाद हम यहाँ पे बैठे हैं आलू पराठा जा रहे हैं बनाने के लिए. और खाना भी साथ में बना रहे हैं. और कल कुछ खास है. सो गाइस, यहाँ पे हम पराठा बनाना शुरू कर दिए हैं. तो ये देखिए, ये पराठा मैंने स्टार्ट कर दिया बनाना, क्योंकि लेट ना हो जाए. तो और टाइम भी हो गया, 9 बज चुके हैं. और उधर बाहर मेरे बच्चे का आवाज भी आ रहा होगा, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा. उधर बाहर विंडो भी खुला है, उधर से भी आवाज आ रहा होगा. सो हम जल्दी जल्दी देखिए इसे गोल गोल करके ऐसे बनाते हैं. सो आज लंबा ब्लॉग नहीं ले जाएंगे, बस छोटा सा ही रखेंगे.
क्योंकि और भी काम है मुझे मार्केट से, तो मुझे मार्केट में जाना है। हाँ मुझे वीडियो रखने में बनता ही नहीं है, ये कैमरा रखने में तो कैसे पूरा दिखा, तो हो ही नहीं पाता है, और ना कोई पकड़ने वाला है मेरा कैमरा। आप लोग को वॉइस भी थोड़ा धीरे जा रही होगी। और बता दूं आप लोगों को, मेरी बेटी का कल बर्थडे है तो उसके लिए चॉकलेट आज ही लेकर जा रही है वो स्कूल, क्योंकि कल पेरेंट्स मीटिंग है तो बच्चे लोग को छुट्टी है, तो बच्चे लोग तो स्कूल जाएंगे ही नहीं। वो रात कल से ही जिद लगा कर रखी है कि हम कल ही ले जाएंगे, आज के बारे में क्या, मारे ले जाएंगे चॉकलेट, वो भी दो दो डब्बा चॉकलेट ले रही है। बोलूंगा अपना चॉकलेट मेरा वीडियो में दिखा दो। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में, आप लोग को दिखाते हैं। ए गुनू, गुनू उधर चावल भी बन रहा है, इधर पराठा भी बन रहा है, दाल चोखा बन गए हैं और भुजिया और आलू के पराठे। उधर दिखा दो कैमरा में, देख भी नहीं रहा है इतना छोटू, कैसे दिखा रही थी। सो गए, ये दो दो चॉकलेट डब्बा मंगवाई है पापा से, इसका इसमें डब्बा पूरा ना, भर लिया, और ये पता नहीं सर घर में रखेगी बेटा। हाँ इसको घर में भी बांटना है ना, चलो बहुत सारे अच्छा, इसको फ्रेंड्स घर में हैं छोड़ के मेरे। जाएगी, हाँ बहुत सारे इसको फ्रेंड्स हैं इतना, मेरे। इसके घर पे भी बहुत सारे फ्रेंड्स है उसको देगी, और इतना सारा तो मेरे से भी भारी लगता है, तो इसे लेकर जाएगी स्कूल, है ना बेटा। एक आदमी को चाय तो देंगे। सोचिए कितना बांटेगी ये लड़की लोग। चलो मेरा मुंह ही छूट गया देखिए, सो उतना सारा चॉकलेट लेकर जाएगी बाजार, स्कूल बाजार बोल गए। और अभी हम आपको दिखाते हैं अपना पराठा, आज पता नहीं सुबह शाम से बहुत सारा प्रॉब्लम है। सो ये देखिए मेरा पराठा बन गया है, और अभी पहले बना लेते हैं फ्रेंड्स पूरा, बहुत सारा बना लेते हैं फिर आप लोग के साथ मिलते हैं। अभी एक दो पराठा बचे, मतलब आटा बच गया एक दो पराठा का, सो वो बाद में बना लेंगे जब लोग स्कूल से आएगा उसके बाद नाश्ते में। सो अभी लंच पैक करके दे देते हैं, देखिए दोनों का टिफिन लंच बॉक्स भी मैंने पैक कर दिया है, सो दोनों को दे देते हैं, अपना बैग में रख लेगा नहीं तो फिर छूट जाता है। सो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, और हाँ दिखाते हैं देखिए बेड पे कैसे निकाल कर रखी है ये चॉकलेट, भी नहीं रात में ही काउंट कर ली थी, 500 है इसमें टोटल, कितना चॉकलेट है बेटा, 500, 460, 426। वाह बेटे तुम ये पहन के जाओगी बुद्धू, ये क्या पहन के, ये पहन के जाओगी, चलो लो बाल बना देते हैं, चलो लो लो लो। सो गए, जब हम स्कूल से भी लेकर आ गए तो ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाए थे, हम स्कूल से लेकर आ गए दोनों को, छुट्टी हो गया तो शाम को 3:15 हो गया, और देखिए स्कूल से आई है, ड्रेस से ब्लेजर खोली है ऐसे फेंकी है, अभी चेंज करवाते हैं फिर खाना पीना खिलाएंगे सभी, 500 चॉकलेट बांट कर आई है ये लड़की, 500, और कौन ऐसे लेता है पैर में,
गंदी लड़की। और अभी इतना सारा चॉकलेट है जो कि अभी यहाँ किशन पसंद आ जाता है। अभी यहाँ बिल्डिंग में फाटेगी सभी को। क्यों डाल रहे हो बेड पे? सो हम दोनों को चलते हैं फाइनल खाना खिलाने। उसके बाद ये देखिए लोग दोनों का, ये मेरी फ्रेंड थी और ये भी मेरी फ्रेंड है, ये दूसरी फ्रेंड थी, ये पहली फ्रेंड थी। सो फ्रेंड इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ गुड इवनिंग। इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं यहीं पे और मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है, स्पेशल है, जो मेरी सुकून, मेरी दुनिया, मेरी प्रिंसेस, मेरी जान, मेरी सब कुछ का बर्थडे। और इसको हम मारते भी उतना ही है। कम मारते हैं बेटा, कम मारते हैं बेटा, तुमको हम बता पढ़ने टाइम खूब इतना दम देते हैं तुमको। तो कल मेरी जानू का बर्थडे है तो उसका आएगा ब्लॉग, लेकिन बर्थडे मनाएंगे नहीं। बस हमको एक 2 लाख रुपया चाहिए। 2 लाख चाहिए इसको। क्या करेगी बेटा 2 लाख का? फ्रेंड्स को बांटते हैं। पैसा पैसा फ्रेंड्स को कौन बांटता है? हे भगवान, हम अपने लिए स्टडी टेबल खरीदेंगे, उसके बाद पैसा बचेगा। तो हम बोले तो हम जब जाएंगे कोलकाता से आ जाएंगे उसके बाद लेकर आएंगे तब देंगे। सो गाइस मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मेरी बेटी का बर्थडे है कल, तो बहुत सारा विशेष कीजिएगा, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा मेरी रानू गुड्डू। पन्ना।